नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कहा जाता है झारखंड खनिज संसाधन के लिए संपन्नता का प्रतीक है तो बिहार विपन्नता का। बिहार खनिज भंडार के मामले में तब से कंगाल माना गया है, खासकर जब से इसका विभाजन झारखंड के साथ हुआ था। विभाजन के बाद से ही अधिकतर खनिज भंडार झारखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इन सबके बीच बिहार वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि खनिज भंडार के मामले में बिहार की स्थिति बदलने वाली है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में हाल ही में दो महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े ब्लॉक का पता चला है, जिसके बाद से ही बिहार सरकार बिहार में क्रोमियम और पोटेशियम खनन के लिए सरकार नई कार्य योजना बना रही है। राज्य के खान एवं भूतत्व मंत्री रामजनक ने बताया है कि केंद्र सरकार से पिछले दिनों बिहार को क्रोमियम और पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक मिले थे। राज्य सरकार इन ब्लॉक से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके जल्द ही इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसको लेकर मंत्री जी ने दावा किया है कि सरकार के इस पहल से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। वहीं जिन जिलों में जल्द ही खनिज उत्खनन की शुरुआत होने वाली है, उसकी अगर हम बात करें तो यह गया, औरंगाबाद और रोहतास में होगा। बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास में 10 वर्ग किलोमीटर का नरवाडीह ब्लॉक, 8 वर्ग किलोमीटर में टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में 7 वर्ग किलोमीटर में ब्लॉक शामिल है। तीनों के तीनों पोटेशियम के ब्लॉक है। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक है, यह 8 वर्ग किलोमीटर का है। जानकारों की माने तो बिहार के इन 3 जिलों में खनन का काम शुरू हुआ तो आसपास के भी कई जिलों की सूरत ही बदल जाएगी। इससे मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार का मार्ग तो प्रशस्त होगा ही, पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। इन खानों के शुरू होने पर शाहबाद और मगध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल सकेगी। इन खानों के शुरू होने पर शाहबाद और मगध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार में पाए जाने वाले खनिज चीनी मिट्टी भागलपुर बांका और मुंगेर में, पायराइट चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में, स्लेट सोना शोरा और सजावटी ग्रेनाइट कोयला औरंगाबाद में, मैंगनीज मुंगेर और गया में, गंधक रोहतास के अंजोर में, सिली मेनाइट गया जिले में, सीशा भागलपुर में, बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास जिले में, बेरेलियम गया और नवादा क्षेत्र में, टिन गया देवराज और चकखंद में, डोलोमाइट रोहतास में, लिथियम गया जिले में, कांच पत्थर भागलपुर जिला में, पेट्रोलियम बिहार के पूर्णिया कटिहार और निकटवर्ती क्षेत्र में, पाइराइट रोहतास सोन नदी की घाटी बंजारी और कोरियाई क्षेत्र में और क्वार्ट्ज जमुई जिले में पाए जाते हैं। इन सब के अलावा आपको ये भी बता दें कि बिहार राज्य देश में पाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक राज्य भी है। इसके साथ ही आने वाले समय में खनिज को लेकर किए जा रहे कामों के बाद बिहार के और ज्यादा विकास की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।